अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वलीद, आप देख रहे हैं चैनल वलीद आसिफ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मुर्गों को चंडी हो जाए तो उसका इलाज क्या करना है। बहुत कमाल का इलाज है, आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं तोती और तोता दिखाऊं। तो गुड न्यूज़ ये है कि बच्चे निकल चुके हैं तोती के, और अभी तक मुझे खुद ही नहीं पता कितने बच्चे हैं, कितने अंडे उसने दिए हैं। एक महीना तकरीबन हो गया था वो कुज्जे में जा रही थी, और मुझे खुद ही भी आइडिया नहीं, कुज्जा ज़रा लगा हुआ है हाइट पे और कोने के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की, मुझे लगन नज़र नहीं आया। लेकिन मैं अभी ट्राई करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और चूज़े भी आपको दिखाता हूँ। वाइट वाले मुर्गे ने पर निकालना शुरू कर दिए, और कलगी कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, और हमारी प्रेडिक्शन भी सच हो गई है जो हमने आज से तकरीबन महीना पहले वीडियो बनाई थी चूज़ों के बारे में। तो दो मुर्गे हैं हमारे और तीन मुर्गियाँ, तो वो भी आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद बटेरों के बारे में भी कुछ अपडेट देते हैं। तो करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू। अगर मैं आपको दिखाऊं, जब से चूज़े निकले हैं ना तोती के, तो मैंने तब से इनकी केयर ज़्यादा कर दी है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ भिगो के रोटी वगैरह मैंने रखी हुई है, इसके अंदर तोता खाता रहता है, और चाक भी इन्होंने खा खा के ना कितना कर दिया। और यहाँ पे देखें, सुबह मैंने ना तरबूज इसके ऊपर ये यानी कि लगाया था, तो वो इन्होंने खाया कुछ, और बाकी अब ये कुछ कीड़े खा रहे हैं। तो पानी इनका मैं दिन में दो दफ़ा, तोता बाहर आया हुआ है कुज्जे से, और कुज्जे के अंदर तोती गई हुई है। और मैं जिस चीज़ का शक था मुझे कि इसके अंदर क्या कहते हैं अंडे दिए हुए हैं तोती ने, और अभी अंदर से निकल आए हुए हैं बच्चे। मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, कौन से कलर के होंगे, कुछ भी नहीं पता। तो अंदर से मुझे आवाज़ आती है सुबह टाइम, और तोती अभी अंदर गई हुई है। मैं कोशिश करूँगा अभी थोड़े जब दिनों तक जब ये बड़े हों तो आपके साथ शेयर करूँ। बाकी ऊपर ये बटेरों की तरफ देखें तो यार इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, वह उम्मीद है करीब ही ना बटेर नहीं अंडे देगी तो इनके भी बच्चे निकाल लेंगे। और देखें माशाल्लाह कितने एक्टिव हेल्दी हो गए हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दिन में दो दफ़ा इनको मैं हल्का हल्का गीला कर देता हूँ, 12 बजे से 3 बजे से, और पानी मैं कभी भी नहीं खत्म होने देता। और यहाँ पर ये देखें, ये वाटरमेलन इनको मैं डाल के रखता हूँ, ये ठंडा होता है पानी की कमी। थोड़ी तोती थोड़ी देर के लिए बाहर आती है, मैं करीब जाता हूँ तो अंदर चली जाती है। अंदर बहुत ज़्यादा कुज्जे की गर्मी होती है जिनकी वजह से ये अंदर रहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये अपडेट कुछ ये है कि यार ये देखें माशाल्लाह चूज़े बहुत बड़े हो चुके हैं, और इनको तरबूज वगैरह डाला है जिससे ना पानी की कमी नहीं इनको होती। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये अपना माशाल्लाह मुर्गा, इसके ब्लैक ब्लैक बाल आने लग पड़े हैं, और जब ये आया था तब बिल्कुल ये वाइट था, लेकिन अब इसके अंदर ये शेड आ रहा है। और ये ब्लैक मुर्गी है, और ये पीछे ये अपना ब्राउन मुर्गा है, और वो भी अपनी मुर्गी है, और इसके पीछे भी मुर्गी है। तो सारे मुर्गा मुर्गी अपने बहुत ज़बरदस्त हैं। एक दो दिन तक इनकी वैक्सीन भी करनी है, तो उसकी वीडियो भी आएगी चैनल पर, ज़रूर देखना। तरबूज इनको डालता हूँ रोज़, तकरीबन घर में आता है तो रोज़ इनको डाल देता हूँ, पानी की कमी नहीं होती। बड़ा ज़बरदस्त फूड है गर्मियों में खिलाने के लिए आपको। तो ये देखें माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं, छोटे छोटे बिल्कुल लाया था मैं। और ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि चंडी का इलाज क्या है। तो पहले वीडियो बताने से आपको कहता हूँ, अगर वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। चंडी का इलाज दोस्तों बताता हूँ, जब भी कोई सह जगह पर मुर्गे फिरते हैं उनको पाँव के ऊपर हो जाते हैं जहम और पड़ जाती है चंडी। चंडी और जहम के अंदर फ़र्क होता है, जो जहम है उसके अंदर से ब्लीडिंग भी होती है मुर्गे को, और ज़रा दर्द थोड़ी कम होती है बनिस्बतन चंडी के। चंडी के अंदर रेशा पड़ा होता है, और वह एक सह यानी कि आपको पता ही है चंडी हुई होती है पाँव के अंदर। तो जब आपको कंफर्म हो जाएगा यार ये जहम नहीं, आप मुर्गे के ना पाँव को दुबाएं, अगर उसको तकलीफ ज़्यादा हो, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये चंडी है, तो आपने क्या करना है, आपने रुई ले के सेब के सिरके के अंदर उसको भिगो के आपने पट्टी करनी है 3 से 4 दिन। तो इससे बहुत कमाल का इलाज है, बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा इलाज जो इससे भी कमाल का, वो ये है कि आपने चंडी वाली पट्टी मिलती है आपको वेटनरी अस्पताल से, कहीं से आपको शॉप से मिलेगी, वो आपने ले आनी है, 3-4 दिन वो करनी है। इससे ये होगा कि जब आप पट्टी उतारोगे तो चंडी साथ ही बाहर आ जाएगी, और मुर्गे का पाँव जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा। तो एंड में आपको यही कहूँगा कि आपने जब पाँव रिकवर हो जाए तो पायोडीन से साफ आप करते रहें, और उसके अलावा कोशिश करें कि मुर्गा जब तक उसके पाँव में चंडी या नरम जगह पे कोई गुदा भी छा लें खुड्डे में या मिट्टी के ऊपर वो फिरे, सह जगह पे ना फिरे, तो आपका मुर्गा हो जाएगा रिकवर। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी तरह की वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।